बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान का फखर, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली शख्सियत, और इस वक्त फखरे पाकिस्तान हमारे गवर्नर सिंध साहब के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जनाब नदीम सरवर साहब, उनके फर्जंद जनाब अली जी, जनाब अली सनावर साहब मौजूद हैं, और आज गवर्नर सिंध साहब की जानिब से जोराना दिया गया और यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? मैं ये कह सकता हूँ कि जफर अब्बास साहब ने सही कहा कि फखरे पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और जब मैंने इनको सुना और देखा तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। आज बहुत कुछ इनसे सीखने को, समझने को मिला है, और ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि आज आप गवर्नर हाउस आए। ये गवर्नर हाउस के लिए एजाज़ की बात है, और मैंने अभी जफर भाई से मैं कह रहा था कि जो इनकी खिदमात हैं और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, तो मैं इनके लिए भी जो एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री है उसका मैं आपके लिए ऐलान करता हूँ, और तमगा इम्तियाज के लिए भी जो है मैं इनको पेमेंट करता हूँ। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामरान तिसोरी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, और माशाल्लाह उसी की रोशनी में मैं गुफ्तगू का थोड़ा सा आगाज़ करना चाहता हूँ। आज 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा मनाया जाता है, और उन तमाम शहदा और अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको खराज तहसीन पेश करने का आज दिन है। और मैं नदीम सरवर और कामरान तिसोरी साहब, अली शनावर अली जी और हमारे तमाम साथियों की जानिब से शहदाए पाकिस्तान के लिए तमाम दुआएं हैं और उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और कामरान तिसोरी साहब ने बहुत बड़ी इज्जत मुझे दी है, और वह तो इज्जो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, इज्जतें हमेशा अल्लाह की तरफ से हैं और खैर के हाथ की तरफ से हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरी खिदमात को सराहा गया, और ये सब मैं समझता हूं कि कहीं किसी गोशे में पाकिस्तान को सजाना मेरा मिशन है, और जहाँ जहाँ मैं पाकिस्तान को सजा सकता हूँ इंशाल्लाह सजाता रहूँगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कामरान तिसोरी साहब का और उनका तमाम टीम का कि उनके अंदर मैंने एक सजाने वाला इंसान देखा है, और मेरा टॉपिक ही सजाना है। सजाओ पाकिस्तान और शाद रहो, आबाद रहो अपने प्यारों के साथ। सलाम। मैं सिर्फ इसमें एक ऐड कर दूँ, आपने सजाने की बात की, तो हमने ऐसे सजाना है जैसे हम अपने घर का ड्राइंग रूम सजाते हैं, इसी तरह से हम अपने रोड, रास्तों और अपने शहर और अपने मुल्क को सजाएंगे।